और लड्डू बनाने का व्यापार कैसे शुरू करें, चिक्की और लड्डू बनाने के बिजनेस में कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है और इस बिजनेस के लिए कौन कौन से लाइसेंस चाहिए होंगे, चिक्की और लड्डू मेकिंग बिजनेस के लिए कौन कौन सी मशीनें लगेंगी और कितना एरिया लगेगा, पूरी जानकारी एक वीडियो में। चिक्की और लड्डू ऐसी मिठाई है जो अक्सर देश के विभिन्न राज्यों के लोगों द्वारा पसंद की जाती है। गुड़, तिल, मूंगफली के लड्डू स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। बात करें अगर चिक्की की, तो चिक्की आमतौर पर मूंगफली और गुड़ से बनी पारंपरिक भारतीय मिठाई है। उत्तर भारत, विशेष रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में इस मिठाई को लैया पट्टी कहते हैं। भारत के सिंध और सिंधी क्षेत्रों में इसे लेई या लाई और बांग्लादेश में कोट कोटी के नाम से जानी जाती है। चिक्की कई प्रकार की होती है, जैसे मूंगफली की चिक्की, तिल की चिक्की, ड्राई फ्रूट चिक्की, चना दाल चिक्की, मखाना चिक्की, खसखस चिक्की और गुलाब बादाम चिक्की। चिक्की बच्चों और बड़ों दोनों में प्रिय है। इतना ही नहीं, सर्दियों के मौसम में इसकी डिमांड बढ़ जाती है। कोई भी त्योहार हो, खासकर मकर संक्रांति में चिक्की को खाना पसंद किया जाता है। हेल्थ की अगर बात की जाए तो यह बेहद पौष्टिक होती है और स्वादिष्ट भी। तो चलिए जानते हैं कि यदि आप चिक्की का बिजनेस करें तो कैसे शुरू करें। चिक्की का बिजनेस करने के लिए अपनाएं ये टिप्स। चिक्की और लड्डू बनाने के लिए आवश्यक बर्तन। लड्डू अथवा चिक्की बनाने के लिए बड़ी कढ़ाई, चम्मच, कलछी, आयताकार लकड़ी की पाट जिस पर चिक्की बनाकर रखी जा सके आदि की आवश्यकता होती है। लड्डू और चिक्की बनाने के व्यापार के लिए लोकेशन और एरिया। घरेलू स्तर पर, यदि आप ये व्यापार घरेलू स्तर पर बिना मशीन के शुरू करना चाहते हैं, तो आपको चिक्की और लड्डू के प्रोडक्शन के लिए 200 वर्ग मीटर से 250 वर्ग मीटर तक का स्थान जरूरी होगा। मशीन की स्थापना। इस स्थापना के लिए आवश्यक मशीन लगाने के लिए लगभग 300 वर्ग मीटर स्थान की जरूरत होती है। इसके बाद बने सामग्री की पैकेजिंग के लिए 75 से 85 मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। अतः प्लांट बिठाने के लिए लगभग 400 से 450 वर्ग मीटर स्थान का होना जरूरी है। मशीनें और कच्चा सामान कहां से खरीदें? मशीनें और रॉ मटेरियल लेने के लिए आप इंडिया मार्ट वेबसाइट पर जा सकते हैं। लड्डू और चिक्की बनाने के लिए मशीन की कीमत। चिक्की बनाने के प्लांट को बैठाने के लिए लगभग 2,40,000 रुपए की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही यदि आप लड्डू बनाने की मॉल्ड भी खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको तकरीबन 50,000 रुपए तक का खर्च करना पड़ेगा। इन दो मशीनों की सहायता से आपके पास चिक्की और लड्डू बनाने का पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा। मशीन की सहायता से चिक्की और लड्डू कैसे बनाएं? यदि आप कम लागत में अधिक संख्या में लड्डू अथवा चिक्की बनाना चाहते हैं, तो मशीन का प्रयोग करें। इससे कम समय में अधिक प्रोडक्शन के साथ अच्छा व्यापार कर सकते हैं। मशीन की सहायता से चिक्की बनाने के लिए आपको विभिन्न तरह के मशीनों की आवश्यकता होगी। ग्राउंड नट रोस्टर मशीन, स्किन रिमूविंग मशीन, ग्राउंड नट जैगरी मिक्सिंग मशीन, शीटिंग और कटिंग मशीन, पैकिंग मशीन। इन 5 मशीनों को मिलाकर चिक्की बनाने के प्लांट की स्थापना होती है। चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले ग्राउंड नट रोस्टर मशीन में मूंगफली डालनी होगी, जहां पर 180 डिग्री तक गर्म करके मूंगफली को पकाया जाएगा। इस समय मूंगफली पक के लाल और सख्त हो जाएगी। इसके उपरांत पके हुए मूंगफली के छिलके निकालने होंगे। इसके लिए स्किन रिमूविंग मशीन का इस्तेमाल करना होगा। इस मशीन की सहायता से एक बार में अधिक मात्रा में मूंगफली छीली जा सकेगी। इसके बाद मशीन की सहायता से गुड़ और मूंगफली को मिलाया जाएगा। इसके लिए एक विशेष तरह की मिक्सिंग मशीन का प्रयोग किया जाएगा। इस मिश्रण को एक ट्रे में आवश्यक मात्रा में फैलाकर एक निश्चित मोटाई देने के लिए विशेष तरह के मशीन का प्रयोग करें। इसकी सहायता से आप चिक्की की आवश्यकता के अनुसार चिक्की की मोटाई सेट करें। इसके तुरंत बाद इसे कटिंग मशीन से लगा दें। यहाँ पर मशीनें आपके द्वारा तय आकार में चिक्की काट कर तैयार करती जाएंगी। इसके बाद ये चिक्की पैकिंग के लिए तैयार हो जाएगी। इस मशीन की सहायता से एक बार में 5 किलोग्राम तक की चिक्की बनाकर तैयार की जा सकती है। मशीन की सहायता से चिक्की कम समय में अधिक मात्रा में तैयार हो जाती है। लड्डू बनाने के लिए मशीन। लड्डू बनाने के लिए मूंगफली और गुड़ मिलाने की प्रक्रिया ठीक उसी तरह होती है जैसे कि चिक्की बनाई जाती है। इसके बाद आप हाथ की सहायता से या लड्डू बनाने की मशीन मॉल्ड का उपयोग करके गोल गोल आकार के लड्डू तैयार कर सकते हैं, जो कि आसानी से बाजार में मिल जाएंगे। एक विशेष तरह की मशीन भी आती है जिससे लड्डू का आकार गोल बनाया जाता है। इस मशीन की सहायता से लड्डू बेहद आसानी से गोल गोल तैयार हो जाते हैं। चिक्की और लड्डू बनाते समय सावधानियाँ। चिक्की और लड्डू का व्यापार करने के लिए आपको विभिन्न तरह की सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं।
आपको नियमित तौर पर अपने बनाए गए प्रोडक्ट की क्वालिटी की जांच करते रहने की आवश्यकता होती है। अगर आप हाथ से निर्मित लड्डू बनाना चाहें तो ध्यान रखें कि आपके द्वारा बनाए जा रहे सभी लड्डुओं का आकार एक जैसा हो, अर्थात छोटा बड़ा ना हो। इसी तरह से चिक्की की मोटाई और आकार का भी ध्यान रखना पड़ता है। मशीन की सहायता से चिक्की बनाते समय ग्राउंड नट रोस्टिंग मशीन का तापमान संतुलित रखना होता है। तापमान ज्यादा हो जाने पर मूंगफली जल भी सकती है। इन दो प्रोडक्ट्स को तैयार करते समय आपको साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि गुड़ की चाशनी चिपचिपी होने के कारण इसमें गंदगी आधी जा सकती है। लड्डू और चिक्की की पैकिंग कैसे करें? आपको लड्डू और चिक्की बेचने के लिए इसकी पैकिंग का विशेष ध्यान रखना होता है। चिक्की के लिए आप अच्छी गुणवत्ता की पन्नी का प्रयोग कर सकते हैं। लड्डू पैक करने के लिए आपको छोटे छोटे कार्टन यानी बॉक्स की आवश्यकता होगी। आप ये पैकेट चिक्की या लड्डू की मात्रा के मुताबिक बना सकते हैं। पैकेजिंग में आप चिक्की के पैकेट 50 ग्राम या 100 ग्राम से शुरू कर सकते हैं। इसी तरह आप लड्डू के लिए कम से कम 250 ग्राम के पैकेट बना सकते हैं। बाजार में आमतौर पर ऐसी मिठाइयाँ अधिकतम 500 ग्राम के पैकेट तक बिक जाती हैं। चिक्की और लड्डू बनाने के व्यापार स्थापित करने की कुल लागत। चिक्की और लड्डू का व्यापार स्थापित करने के लिए कुल लागत की जानकारी इस प्रकार है। छोटे यानी घरेलू स्तर पर, ये व्यापार घरेलू स्तर पर आसानी से शुरू किया जा सकता है। घरेलू स्तर पर इस व्यापार को स्थापित करने के लिए लगभग 35,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए तक की लागत आती है। बड़े स्तर पर प्लांट सेट करने के लिए, बड़े पैमाने पर लड्डू और चिक्की के व्यापार को करने के लिए आपको प्लांट बिठाने की आवश्यकता होती है। प्लांट सेटअप करने के लिए लगभग 5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक के अंदर का निवेश करना होगा। लड्डू और चिक्की के व्यापार में लाभ यानी प्रॉफिट मार्जिन, यदि आप ये व्यापार घरेलू स्तर पर करें तो हर महीने लगभग 10,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक कमाए जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि आप इस व्यापार के लिए प्लांट सेटअप करते हैं तो हर महीने एक उच्च मात्रा में व्यापार करके लगभग 1 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। ध्यान दें, आपके द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट जितना उत्तम क्वालिटी का होगा तो लाभ कमाना भी सीधे तौर पर प्रोडक्ट की गुणवत्ता से संबंधित होगा। भारत में लड्डू और चिक्की बनाने के व्यापार के लिए लाइसेंस, इस व्यापार को सर्वप्रथम उद्योग आधार तथा MSME के द्वारा पंजीकृत कराना होगा। यदि आप प्लांट स्थापित करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फर्म का पंजीकरण पार्टनरशिप अथवा प्रोप्रिएटरशिप के अनुसार कराना होगा। इसके अलावा फर्म का चालू बचत खाता यानी करंट बैंक अकाउंट, पैन कार्ड आदि प्राप्त करना होगा। लड्डू और चिक्की बनाने के व्यापार की मार्केटिंग, अन्य व्यापारों की तरह इस व्यापार की सफलता के लिए भी आपको एक अच्छी मार्केटिंग योजना तैयार करनी होगी। आप अपने बनाए गए लड्डू अथवा चिक्की किराना दुकानों के लिए होलसेल पर बेच सकते हैं। आप चाहें तो स्नैक्स आदि दुकानों में भी इसकी मार्केटिंग का प्रयास कर सकते हैं। इस लड्डू और चिक्की के व्यापार की मार्केटिंग मिठाई के दुकानों में जाकर भी आसानी से हो सकती है। मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों पर भी कई प्रकार के लड्डू मिलते हैं। मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों पर उपलब्ध दुकानों के साथ मिलकर भी आप बिजनेस कर सकते हैं। आप अपने ब्रांड का प्रचार पोस्टर, होर्डिंग्स, अखबारों में विज्ञापन आदि के माध्यम से भी कर सकते हैं।